आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, अभी आपको पता है कि एमसीडी पीआरटी के जो एग्जाम है कंप्लीट हो चुके हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स भी पूछे थे, ऑनलाइन सर्वे भी हुआ था और काफ़ी मतलब चीज़ें देखने के बाद जो कट ऑफ का मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ उसमें, हालांकि ये नहीं कि 100% है बिल्कुल, लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मैंने स्टूडेंट से पूछा है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेगी। तो देखते हैं अभी, तो अभी हम जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 80 से 90 के बीच में रहने वाली है। इसका रीजन क्या है? एक तो अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और जो 28 का जो एग्जाम था उनकी शिफ्ट से भी मार्क्स काटे जाएंगे, हर शिफ्ट में से लगभग मार्क्स कटेंगे, 2-4 नंबर अभी कटेंगे। और पहले जो बात चल रही थी कि मार्क्स 120 आ गए, 130 आ गए, तो वो आंसर की आने के बाद काफी फर्क पड़ा है मार्क्स में। और हर स्टूडेंट के 120 100 प्लस भी नहीं है हर स्टूडेंट के अगर हम बात करें तो। ये क्या होता है, ये डराने वाली बात भी होती है, काफी यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे 120 130 प्लस मार्क्स, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद तो अगर हम ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ 75 से 85 तक रहने वाली है। और आपको पता है जो ओबीसी काउंट होते हैं वो दिल्ली के काउंट होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है कि एससी से भी नीचे चली जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी वो 75 से 85 का हम अनुमान लगा रहे हैं और जहाँ तक इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। तो 75 से 85 तक ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। और ये कब रहेगी? नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, क्योंकि अभी मार्क्स भी कटेंगे और 28 के जैसे ज़्यादा मार्क्स कटने की संभावना है और 30 वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये होने के बाद जो कट ऑफ रहेगी ओबीसी की वो 75 से 85 तक रहेगी। इसके बाद और अगर एससी एसटी की कट ऑफ की बात करें तो इन दोनों में क्या है कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो 70-80 जो एससी एसटी है फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। कुछ ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अभी जैसे एससी लोगों से भी बात हुई है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इवन जनरल के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ, लगभग 70 से 75,000 स्टूडेंट थे प्रेजेंट एग्जाम में और अगर हम अंदाजा लगाएं तो 17 में से एक स्टूडेंट की जॉइनिंग है और 30 वालों में भी काफी स्टूडेंट कर जाएंगे और 28 वालों में भी। 14 का भी एग्जाम इतना इजी नहीं था, 13 वाला थोड़ा इजी था लेकिन उसमें से मार्क्स कट जाएंगे। तो गाइज कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है और ये अनुमान है अपना। और आप इससे कितना खुश हैं, आप समझते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है, तो आप अपनी स्क्रीन पे एक कार्ड देखेंगे, उस कार्ड पे जाके आप वोट जरूर करें। और गाइज आपको बता देता हूँ, जो ये एग्जाम हुए हैं इसके बाद आप इनमें ही बिजी ना रहें कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या ये सब चीज़ें रहेंगी। आप KVS की भी तैयारी करें या कोई और DOE के अगर आपके एग्जाम रह रहे हैं तो आप उनकी भी प्रिपरेशन करें। और इन सब की प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं मेरे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएं और इसके बाद आप वोट भी जरूर करें, स्क्रीन पे आपको कार्ड मिलेगा, आप वहाँ पे वोट करें, आप खुश हैं या नहीं है। थैंक यू गाइस।